हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारा सा एक हैंड पर्स बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक क्विल्टेड कपड़ा लिया है और इसका मेजरमेंट है, दोनों तरफ है 9.5 इंच, 9.5 इंच। और इसको मैंने ये जो फ्लावर दिख रहा है वो बीच में रख के मैंने क्विल्ट किया है। अब हमें इसके चारों तरफ पाइपिंग लगानी है, तो पहले हम सामने की तरफ इस तरह से यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग लगाएंगे, और जो इसका जो इस तरह से ये जो पार्ट है उसी के ऊपर लगाना है, ऑपोजिट साइड नहीं लगाना है। इस तरह से करके हम और फिर ऊपर में रख के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा दी है, और ये जो सिलाई है वो एकदम पास में लगाना है, ये पाइपिंग के पास में लगाना है ताकि दिखे नहीं। अब हमें ये दोनों साइड पाइपिंग लगाने के लिए ये जो पट्टी ली है ये थोड़ी लंबी लेनी है, और दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड करके फिर ऊपर में सिलाई लगानी है। ये इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरह से पीछे मोड़ के इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर से इस तरह से यहाँ पर इस तरह से मोड़ के फिर सिलाई लगा देंगे। अब ये स्क्वायर पीस एकदम रेडी हो गया है। अब हमें एक जिप लगानी है, तो ये जो सिंगल जिप ली है मैंने, जो 38 इंच की है, सिंगल ही है, उसके सामने का पार्ट मैंने निकाल दिया है। और ये जो कपड़ा है उसको हम बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक तरफ निशान कर लेंगे, एक ही तरफ निशान करना है। अब ये जो जिप है उसको हम लेंगे और थोड़ा सा 1 इंच जितना आगे रख के फिर जो निशान किया है वहाँ से हम 1 इंच आगे रखेंगे और फिर यहाँ पर, और जिप जो है वो उल्टी लगानी है, उल्टी करके लगानी है। ये जो इस तरह से लगा दी है मैंने, अब हमको इस तरह से इसको मोड़ के फिर यहाँ पर रनर इंसर्ट करना है। रनर का जो पॉइंटेड पार्ट होता है वहां से हमें इंसर्ट करना होगा। अब ये जो इस तरह से यहाँ से बंद हो जाएगा, उस तरह से हमें लगाना है। अब यहाँ से बीच में से मैंने इसको आगे कर दिया है और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सिलाई लगा दी है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको, एक्स्ट्रा जिप है उसको कट कर लेंगे। अब इसको इस तरह से फोल्ड होगा, तो यहाँ पर हमें एक, मैंने इसी कपड़े का मैंने फ्लावर बनाया है, और बीच में मैंने ऐसा डेकोरेटिव बटन लगाया है। इसको हम यहाँ पर सुई से हम लगा देंगे। इसको पहले लगाना पड़ेगा क्योंकि बाद में फिर अंदर पॉकेट आएगा तो फिर इसका धागा दिखेगा। इस तरह से अब ये मैंने एक कपड़ा लिया है,
जो इस तरफ है 9.5 इंच और इस तरफ भी 9.5 इंच, 9.5 इंच। और एक दूसरा एक लिया है जो नॉन वोवन क्लॉथ लिया है मैंने, वो भी सेम साइज़ का है। इसको आप अगर चाहे तो ओमिट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, एक ही कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, दो कपड़े की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे थोड़ा सा कड़क चाहिए था पर्स, तो इसके लिए मैं दो यूज़ किया है। इसको मैंने चारों तरफ से सिलाई कर दी है, दोनों को जोड़ दिया है। और एक दूसरा कपड़ा लिया है जो इस तरफ है 9.5 इंच और इस तरफ है 7.5 इंच। ये जो 9.5 इंच वाली साइड है, वहां से हमें इस तरफ दोनों तरफ फोल्ड कर देना है। अब इसको हम इस तरफ से फोल्ड करके यहां पर निशान कर लेंगे। और ये जो कपड़ा है उसमें भी हम फोल्ड करके निशान कर लेंगे। अब ये इसको दोनों निशान को मिला के हम इस तरह से रखेंगे। और दोनों साइड सिलाई कर देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। अब हम बीच में सिलाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने बीच में सिलाई कर दी है और एक सिलाई यहाँ पर की है ताकि ये दो पॉकेट बन जाए। यहाँ पर एक ही रखा है। अब हमें इसके ऊपर इसको लगाना है और ये इस तरह से बंद होगा। ये ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई है वो रनर के सामने आए। और इसको इस तरह से फोल्ड करके हम फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। ये मैंने लगा दिया है। अब हमें एक बीच में एक पॉकेट बनाना है, तो इसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है जिसका इस तरफ है नाप 7.5 इंच और इस तरफ है 7.5 इंच। जिप है जो 7.5 इंच की है, इसको हम इस तरह से यहाँ पर जोड़ देंगे और फिर यहाँ पर दाग सिलाई लगा देंगे। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करके यहाँ पर ऊपर में इस तरह से करके हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई कर दी है मैंने और यहाँ पर दोनों तरफ हम सिलाई कर देंगे। ये दोनों तरफ मैंने सिलाई कर दी है और जो थोड़ा टेढ़ा था तो मैंने थोड़ा सा ठीक करते कर दिया है। अब यहाँ पर हमें इस तरह का एक कपड़ा लगाना है, बॉर्डर लगानी है। तो बॉर्डर के लिए मैंने ये किस तरह से तैयार किया है वो मैं बता रही हूँ। ये जो कपड़ा है वो इस तरफ से 6 इंच और इस तरफ 5.25 इंच। इसको इसी तरह से हम चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। ये दोनों पीस तैयार हो गए हैं। अब हम इसको बीच में से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम इस तरह से लगा के यहाँ पर सिलाई कर देंगे। ये जो पॉकेट है उसके दोनों तरफ हम इस कपड़े को इस तरह से करके हम दोनों तरफ सिलाई कर देंगे।
यहाँ पर और यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है और ये अब इस तरह से हो गया है। इसको हमें इसके साथ जोड़ना है और ये ध्यान रखना है कि जो ये फ्लावर वाला पार्ट है वहाँ वहाँ पर सामने की साइड जिप आए। अब इसका जो यहाँ से हम ये जो बीच का निशान किया है वहाँ हम मिला के फिर इस तरह से रख के यहाँ पर सिलाई करेंगे। ये मैंने एक तरफ सिलाई कर दी है और यहाँ से फिर हमें ये जो दूसरा दूसरी तरफ का है उसको लेके यहाँ पर इस तरह से लगाना है। इस तरह से ये कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर आपको दिखाने के लिए मैंने ये बाकी रखा था। उसी तरह मैंने दोनों तरफ लगा दिया है और ये हैंड पर्स इस तरह से हो गया है। यहाँ पर हम अपना मोबाइल रख सकते हैं, यहाँ पर पैसे वगैरह सब रख सकते हैं और कार्ड्स रख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।